हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सरकारी इन्फो गुरु। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा निकाली गई बम्पर भर्ती के बारे में, जिसमें कि दोस्तों सभी डी फार्मा और वी फार्मा स्टूडेंट्स के लिए दोस्तों जो भर्ती होने वाली है 4000 पदों पर दोस्तों भर्ती होने वाली है। और दोस्तों इसकी योग्यता मैंने आपके लिए बताई कि डी फार्मा और दोस्तों बी फार्मा वाले सभी स्टूडेंट इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो इसमें सैलरी होने वाली है, आपकी 40000 सैलरी होने वाली है। तो दोस्तों आइए बिना देरी किए चलते हैं आज की सबसे बड़ी अपडेट की तरफ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस भर्ती में जो सिलेबस और एज होगा, कितनी एज वाले इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं उसके बारे में। तो दोस्तों ये जो भर्ती कराने वाला है वो उत्तर प्रदेश सब जो है यूपी ट्रिपल एससी कराने वाला है फ्रेंड्स। यानी कि जो ऑफिशियल वेबसाइट होगी वो आपकी यूपी ट्रिपल एससी होगी, जिसकी फुल फॉर्म है दोस्तों उत्तर प्रदेश सबॉर्डिनेट सेलेक्शन सर्विस कमीशन। और दोस्तों जो टोटल पोस्ट होने वाली है, मैंने आपके लिए बताया कि कितनी पोस्ट होने वाली हैं, टोटल 4000 पदों पर दोस्तों भर्ती होने वाली है। अगर क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो क्वालिफिकेशन बी फार्मा और डी फार्मा वाले सभी स्टूडेंट इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। परंतु दोस्तों एक शर्त है कि आपका जो है फार्मेसी रजिस्टर्ड, फार्मेसी काउंसिल से आप रजिस्टर्ड होने चाहिए, यानी कि आपको रजिस्ट्रेशन मिला हुआ होने चाहिए। अगर आपने डी फार्मा पास कर लिया है, अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते फ्रेंड्स। तो उसके लिए आपके लिए रजिस्ट्रेशन होना बहुत ही ज़रूरी है। अब बात करते हैं कि ये भर्ती कब आने वाली है। तो दोस्तों 2022 में ये भर्ती प्रस्तावित है, जो कि दोस्तों मुख्यमंत्री की 100 दिन की कार्य योजना में ये भर्ती शामिल की गई है। तो आपकी जो नोटिफिकेशन आने वाला है कुछ ही दिनों में दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने वाला है। और दोस्तों जो एज लिमिट के बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स, तो एज लिमिट जो होने वाली है वो 21 से 40 वर्ष वाले सभी स्टूडेंट इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड्स। अगर आपकी एज 21 से 40 वर्ष के बीच है तो इसके लिए आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो दोस्तों आइए बात करते हैं कि इसके लिए एग्जाम जो होता है, एग्जाम जो कंडक्ट कराया जाता है उसके लिए आपका सिलेबस क्या रहता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यूपी ट्रिपल एससी जो उत्तर प्रदेश में सभी भर्तियां कराता है, उसके द्वारा जो एग्जाम में सिलेबस रखा जाता है फ्रेंड्स, जो आपका रखा जाता है, क्या रखा जाता है, हिंदी पूछी जाती है आपका, हिंदी के साथ साथ आपका क्या पूछा जाता है फ्रेंड्स, मैथ पूछा जाता है और रीजनिंग पूछी जाती है। और दोस्तों आपका जीएस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जीके जीएस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आपका सिलेबस हो गया ये, आपको क्या क्या सिलेबस होने वाला है, आपका हिंदी का सिलेबस होने वाला है, हिंदी पूछी जाएगी, मैथ पूछा जाएगा, रीजनिंग पूछी जाएगी और फ्रेंड्स जीके जीएस पूछी जाएगी। जीके जीएस में फ्रेंड्स आपका यूपी रिलेटेड जीके ज़्यादा पूछी जाती है, जिसमें कि दोस्तों यूपी से भर्ती है तो यूपी से रिलेटेड ज़्यादा जीके पूछी जाती है। तो दोस्तों आइए चलते हैं अब आज की सबसे बड़ी अपडेट की तरफ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं ये न्यूज़ निकल कर आ रही है, सबसे बड़ी न्यूज़ है जो आपके लिए दोस्तों फ्रेंड बहुत अच्छी खुशखबरी होने वाली है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य में 4000 से अधिक फार्मासिस्टों की होगी नियुक्ति। तो दोस्तों आप जानते ही होंगे कि जो नियुक्ति है 4000 पदों से अधिक पदों पर होने वाली है ये भर्ती। आप न्यूज़ में अगर आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में खाली पड़े 4000 से अधिक फार्मासिस्टों के पदों को सरकार शीघ्र ही भरने जा रही है। अब दोस्तों आप न्यूज़ देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, शीघ्र ही भरने जा रही है। तो फ्रेंड्स आपकी भर्ती यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ ही दिनों में इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। तो दोस्तों उसके लिए अगर आप प्रिपरेशन नहीं कर रहे थे तो दोस्तों आपको प्रिपरेशन करके रखना है। और जिन स्टूडेंट्स का भी अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है पीसीआई के द्वारा दोस्तों, तो अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करा लें। तो दोस्तों जैसे ही इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा फार्मासिस्ट के पदों पर, मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपडेट कर दूंगा। उसके लिए हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करके दोस्तों चैनल को बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले, जिससे कि दोस्तों आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। दोस्तों आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, तो आगे जो है शीघ्र भरने जा रही है विभाग में कुल कितने पद हैं दोस्तों, लगभग 12000 पद हैं, जिसमें से 4000 से अधिक पद क्या हैं, रिक्त हैं। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि फील्ड में फार्मासिस्टों के कुछ और पद खाली पड़े हैं, जिसका ब्यौरा मंगाया जा रहा है। यानी कि दोस्तों जैसे ही आपका ब्यौरा चला जाएगा, कुछ ही दिन में ब्यौरा हो जाएगा, इसके बाद सभी रिक्त पदों का संकलन किया जाएगा और उसके पूरा होते ही नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी, यानी कि आपकी भर्ती का नोटिफिकेशन निकाल दिया जाएगा। तो दोस्तों कुछ ही दिन निकल कर आ रहे हैं, कुछ ही
दिनों में आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। डिप्लोमा फार्मासिस्ट अधिकारी एसोसिएशन के प्रांतीय महामंत्री हैं अरविंद कुमार वर्मा ने बताया कि शासन के वित्त विभाग के अनुसार प्रदेश में फार्मासिस्ट के करीब 12,000 पद रिक्त हैं सृजित हैं जिन परंतु स्वास्थ्य महानिदेशालय व जिलों में तैनात अब मुख्य चिकित्सा अधिकारी को इन पदों की वस्तु स्थिति रिएलोकेशन की जानकारी होने के कारण अलग से करीब 3,000 पदों पर भ्रम की स्थिति कई वर्षों से बनी हुई है। विभाग में मूल पद फार्मासिस्ट के सभी पद मसलन चीफ फार्मासिस्ट, दोस्तों ये जानी कि आपकी कुल मिला के जाकर हम कह सकते हैं कि आपका कुछ ही दिनों में फ्रेंड्स इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने वाला है। तो दोस्तों अब जितने भी स्टूडेंट्स जो हैं फार्मासिस्ट वाले, जो कि दोस्तों फार्मासिस्ट गवर्नमेंट फार्मासिस्ट भर्ती की तैयारी कर रहे थे, उनकी जो है इंतज़ार ख़त्म होने वाला है फ्रेंड्स। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। दोस्तों अगर आपको फिर भी कोई भी डाउट या इस भर्ती से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो दोस्तों आप हमें कमेंट करें, यानी दोस्तों इस भर्ती का नोटिफिकेशन आपका नेक्स्ट मंथ या उससे नेक्स्ट मंथ में आने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों इसी तरह की भर्ती की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, और दोस्तों मैं इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। जब तक के लिए फ्रेंड्स टेक केयर।